हाँ अब जितने भी सेशन होंगे बड़े मज़ेदार सेशन होंगे एक से बड़े स्टोरियाँ होंगी जैसे अपन टेंथ क्लास में हिस्ट्री पढ़ा करते थे वैसे ही ये बहुत ही शानदार चैप्टर महाभारत की कहानियाँ इस चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा है ये अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं और महाजनपद का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने एम वी क्लासेज वाले चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक में आज तक ऐसी न दो ट्रिक आपको मिलेगी एक ही लाइन में एक स्टोरी टाइप की दो बहन भाई थे ठीक है तो एक बहन अपने भाई से कैसे काम करवाती है भाई मना कर देता है ऐसी शानदार छोटी सी स्टोरी दिवाली की सफाई करते टाइम बस इस सिंबस एक लाइन में सारे सोलह महाजनपद और उनकी राजधानी याद हो जाएगी तो एम वी क्लासेज वाले अपने उस चैनल पर जाना और वहाँ पर ये वो वीडियो अपलोड है हालांकि उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे अभी और फर्स्ट कॉमेंट में पिन भी कर देंगे आज के सेशन में आप जा सकते हो ठीक है और आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर की मतलब आज के सेशन की, की। उससे पहले एक छोटी स्टोरी है एक्चुअल में एक ब्राह्मण था द्रोण ठीक है द्रोण नाम का एक ब्राह्मण होता है और ये एक्चुअल में द्रोण क्या करते हैं ये धनुष चलाना सिखाते हैं ठीक है? ये अपने जो राजकुमार होते थे कुरुक्षेत्र के, कुरु के जो राजकुमार, राजकुमार, उन राजकुमार, उन राजकुमार ब्राह्मण थे और तीरंदाजी सिखाते थे तो एक्चुअली क्या है कि एक, होता है एकलव्य होता है हालांकि है निषाद निषाद का मतलब होता है कोई शिकारी समूह जो शिकार करते हैं ना जंगलों में शिकार किया करते हैं अपना भोजन करते हैं उसी ग्रुप का ये आदमी है एकलव्य ठीक है एकलव्य जाता है इस द्रोण के पास में और एकलव्य कहता है कि आप आप गुरु हैं आप ये तीरंदाजी सिखाते हैं आप मेरे भी गुरु बन जाइए फिर आप मेरे को शिष्य बना लीजिए तो द्रोण कहता है कि नहीं 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 मैं तेरे को शिष्य नहीं बना सकता क्योंकि आपको पता है उस टाइम पर कुछ मान मर्यादाएँ होती थी कि राजा महाराजाओं के बेटों को सिखाते थे वरना बाकी एक फिक्स सिस्टम था क्षत्रिये तलवारबाजी करेंगे क्षत्र ये तीरंदाजी करेंगे और कोई नहीं करेगा सबको कैटेगराइज किया जाता था तो इन्होंने द्रोण ने इस एकलव्य को शिष्य मानने से मना कर दिया कि नहीं नहीं तेरे को मैं शिष्य नहीं बना सकता और मैं तेरा गुरु नहीं बन सकता लेकिन एकलव्य ने कहीं ना कहीं अपने मन में ही ठान लिया था कि आज से मेरा कोई गुरु है तो द्रोण ही है ये दिल में रख लिया और फिर एकलव्य यहाँ से जाता है वापस अपने जो भी यथास्थान इसका होता है तो वहां पर एक मिट्टी की प्रतिमा बनाता है ठीक है मिट्टी की उनकी एक पिक्चर बनाता है द्रोण की और उसको सामने रख लेता है और हमेशा उसको देखते हुए उस प्रतिमा को देखते हुए तिरंदाजी करता है ऐसा मान लेता है कि ये मेरे गुरु है मुझे सिखा रहे हैं ये मेरी ट्रेनिंग मुझे दे रहे हैं उस ट्रेनिंग को देख के ये रोजाना तिरंदाजी करता है और एक्चुअली रोजाना प्रैक्टिस करते 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 बड़ा एक्सपर्ट हो जाता है और ये जो एक्लव्य वो एक्सपर्ट हो जाता है तिरंदाजी में और पूरी बात समझना अब होता क्या है कि जो राजकुमार है वो तो राजा के बेटे हैं उनके पास तो कुत्ते हाथी सब होते हैं तो वो राजकुमार जो एक बार जंगलों में जाते हैं अपने कुत्ते को घुमा घुमाने के लिए ठीक है कुत्ते को लेके जंगल में जाते हैं और वो जो उनका कुत्ता है वो इस निषाद एकलव्य को देखते हैं ठीक है थीके? वो कुत्ता इस निषाद एकलव्य को देखता है और ये जो निषाद एकलव्य था ये तो शिकारी था तो ये काले मृग काला मृग होता है ना हिरण जैसे जो हिरण जो होता है उसकी चमड़ी की बना हुआ कुछ पहने हुए था तो काले मृग की चमड़ी का कुछ कपड़े या ऐसा मान लीजिए कुछ ओढ़ा हुआ पहना हुआ देखा तो कुत्ते ने भोंकना शुरू कर दिया क्योंकि उसने तो वो तो महलों से निकल के गया तो उसने देखा ये क्या है तो उसने इस एकलव्य को भौकना शुरू कर दिया एकलव्य को सहन नहीं हुआ एकलव्य को गुस्सा आ गया एकलव्य ने दरादर सात तीर इसके ऊपर चिपका दिए और इसका मुंह बंद कर दिया मतलब सटीक निशाना मारा कुत्ते के मुंह पे सात तीर लगातार लगाए और कुत्ते की जबान चुप करा दी मतलब कि कुत्ते को भोंकना बंद कर दिया इससे राजकुमार जो थे वो प्रभावित हुए कि यार इतना सटीक निशाना मतलब वाकई ये तो कोई एक्सपर्ट है तो फिर उन्होंने ढूंढना शुरू किया कि ये तो तीर आए थे आए कहां से थे और छोड़ने वाला था कौन तो उन्होंने ढूंढा इस एकलव्य को तो एकलव्य मिल गया कोई ज्यादा दूर तो था नहीं क्योंकि आपको पता तीर तो ज़्यादा दूर से छोड़े नहीं होंगे तो फिर एकलव्य से इन्होंने राजकुमार ने बात की कि भाई आप कौन हो तो इन्होंने कहा कि मैं एक्चुअल में द्रोण मेरे गुरु हैं मैं उनको गुरु मानता हूं ठीक है और मैं उनका शिष्य हूं ऐसा बताया इन्होंने कि उन्होंने मतलब कि इस एकलव्य ने अपने आप को द्रोण का शिष्य बताया बोलो अच्छा अच्छा आप ऐसा हो गया बोलो हाँ तो फिर उन राजकुमार वापस गए द्रोण से बात की लेकिन द्रोण अब ध्यान से समझना थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आएगा कि द्रोण है ना उनका जो सबसे फेवरेट शिष्य था वो था अर्जुन ठीक है अर्जुन को ये अपना फेवरेट शिष्य मानते थे और द्रोण ने अर्जुन से एक वादा किया था प्रॉमिस किया था कि अर्जुन मैं तुझे भालांगी तीरंदाजी तेर, सब कुछ सिखाते थे तीर चलाना सबको सिखाते थे लेकिन अर्जुन से इस द्रोण ने एक वादा किया था कि इस दुनिया में तू ऐसा होगा जो सबसे शानदार निशानेबाज होगा और तेरे जितना कोई भी तिरंदाजी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता ये वचन दे दिया और उस टाइम पर आपको पता है ऐसी महाभारत बातें लिखी हुई है कि गुरु जो वचन दे देता दे था वो वचन सही होता था तो ऐसा अर्जुन ने फिक्स मान लिया कि गुरु का वचन है और वाकई अर्जुन वैसे निशानेबाज अच्छा था और ये प्रॉमिस कर दिया द्रोण ने तो फिर वो बिल्कुल नो टेंशन हो गया लेकिन जब ये बात सुनी इस एकलव्य की इतना ज़बरदस्त निशानबाज एक और है तो फिर अर्जुन ने क्या कहा अपने द्रोण से कहा कि आपने तो कहा था ना कि तू ही होगा दुनिया में एक यूनिक एक ए, मतलब कि अलग तरह का मतलब जिसे अपन कहते हैं यूनिक तेरे जैसा और कोई हो ही नहीं सकता लेकिन मैं आज ये क्या सुन रहा हूँ एकलव्य मेरे से ज़्यादा निशानबाज कैसे बन सकता है तो फिर द्रोण ने क्योंकि अपनी जुबान दे रखी थी बात प्रोमिस पहले के बाद लोग पक्के होते थे तो द्रोण ने कह दिया कि चलो ठीक है द्रोण जाता है वापस कहाँ एकलव्य के पास और क्योंकि एक द्रोण को ये पता चल गया कि एक हालांकि द्रोण ने तो उस टाइम तो मना कर दिया एकलव्य मैं तेरे को तेरा गुरु नहीं बनूंगा तो मेरा शिष्य नहीं बन सकता लेकिन जब इन राजकुमार ने आके बताया द्रोण को कि आपको एकलव्य क्या मानता है शिष्य गुरु मानता है द्रोण ने इसका फायदा उठाया और द्रोण एकलव्य के पास जाता है और एकलव्य से कहता है कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पे आप मेरे को आपका जो अंगूठा है जिससे तीर चलाता दाहिने हाथ का अंगूठा दे दीजिए अब ये तो शिष्य और शिष्य गुरु की क्या परंपरा होती है आप समझते हो तो इसलिए इसने क्या करा बिल्कुल बिल्कुल बेझिझक द्रोण ने जैसे अंगूठा मांगा अपना अंगूठा काट के तुरंत दे दिया क्योंकि द्रोण का द्रोण को ये पता था कि जब अंगूठा मांग लेंगे तो फिर तीर उतनी अच्छे से नहीं छोड़ पाएगा क्योंकि तीर के लिए आपको पता है इनकी पकड़ होनी जरूरी होती है जब अंगूठा नहीं बचेगा तो फिर वो एक्सपर्ट खत्म हो जाएगा और यही प्लान था और अंगूठा इसने काट के तुरंत दे दिया तो द्रोण परमानेंट द्रोण की वही बात रह गई जैसे जो अर्जुन ने प्रॉमिस किया था कि तू दुनिया में तू ही रहेगा एक अद्वितीय मतलब तो रहेगा निशानेबाज तो ये छोटी स्टोरी है हालांकि मैं तो इसको एक तरीके से गलत ही मानता हूँ कि एकलवे के साथ सही न्याय नहीं हुआ लेकिन ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो एक कहते हैं ना सामाजिक कर्तव्य निभाया ऐसा कुछ कहते हैं तो ये कुछ बातें थी ऐसी कुछ परंपराएं महाभारत में स्टोरी ऐसी लिखी हुई है तो अब इसके अलावा एक स्टोरी और है जो भी अपन देखने वाले हैं जो पांडुओं की स्टोरी आज ठीक है और पांडुओं में भी किसकी स्टोरी है भीम की वो भी अपन आज की आज के सेशन बात करेंगे लेकिन थोड़े अपन आगे बढ़ते हैं जैसे वो स्टोरी आएगी फिर अपन आगे बढ़ेंगे आज का पहला क्वेश्चन है कि क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय होते थे क्या चर्चा कीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है अपन फर्स्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लिखा हुआ है कि जितने भी पहले राजा होते थे जो भी शासक होते थे वो क्षत्रिय होते थे क्या ये बात सच है क्या तो आंसर देखेंगे डिस्कस वेदर किंग्स इन अर्ली स्टेट वर इन इन क्षत्रिय तो आंसर ये है कि धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों ये दो आपको बताना अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इन दोनों के अनुसार केवल क्षत्रिय वर्ग के लोग ही शासक हो सकते थे ये बात धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में लिखी हुई है कि वही हो सकते थे अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग लेकिन सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे एक्चुअल में ये बात झूठी है कि सारे क्षत्रिय ब्राह्मण भी राजा होते थे ऐसी कोई बात नहीं है तो सभी शासक क्षत्रिय नहीं होते थे ऐसी कोई जरूरी नहीं है अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी कैसे जैसे कि मौर्य डायनेस्टी है मौर्य वंश मौर्य वंश भी तो राजा थे मौर्य वंश के लोग भी तो राजा थे जबकि एक्चुअल में मौर्य तो ब्राह्मण है अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं यानी कि मौर्यों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में तीव्र मतभेद हालांकि तो मतभेद है कोई गारंटी तो नहीं है लेकिन बाद में बौद्ध ग्रंथों में यह कहा गया है कि मौर्य क्षत्रिय थे परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र मौर्य को निम्न कुल का मानते हैं जो ब्राह्मणी ग्रंथ ने उसमें लिखा हुआ है कि मौर्य जो वंश है वो क्षत्रिय नहीं थे वो निम्न कुल के लोग थे इसका मतलब ये हुआ कि मौर्य वंश निम्न कुल के अगर हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब बिना क्षत्रिय वाले भी तो राजा बन सकते हैं ये बात लिखी हुई है ठीक है ऐसे शुंग और कर्ण शुंग और कर्णव वंश जो है वो मौर्य के उत्तराधिकारी रहे हैं भाई मौर्यों के बाद में जो उनका सक्सेसर बने वो कौन बने शुंग और कर्ण इनकी डायनेस्टी बनी तो ये अगर उनके सक्सेसर बने तो ये तो ब्राह्मण थे

हालांकि मतभेद तो हैं कोई कोई ब्राह्मण मानता है कोई क्षत्रिय मानता है लेकिन ज्यादातर ऐसा लिखा हुआ है तो अपन अपने तो आंसर देना है जो बातें लिखी हुई है उस अकॉर्डिंग ओरिजिनल मोरिस्ट लेटर बुद्धिस्ट टैक्स सजेस्टेड दैट मौरी वर क्षत्रिय हालांकि बुद्ध जो बौद्धिस्ट ग्रंथ है बौद्ध ग्रंथ है वो ये कहते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे लेकिन जो ब्राह्मणी शास्त्र हैं ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखे गए शास्त्र हैं वो कहते हैं कि मौर्य जो है वो निम्न कुल के थे ठीक है यानी कि बट ब्राह्मणी कॉल डिस्क्राइब देम एज बींग ऑफ लो ऑरिजन वो निम्न कुल के थे

मलेशियस बर्बरिन एंड आउटसाइड सर बाय था ब्राह्मण ब्राह्मण इनको जो ये शक शासक जब इंडिया के अंदर आए थे मध्य एशिया में आए थे राज करने के लिए तो ब्राह्मण इनको विदेशी मानते थे जबकि एक्चुअल में शक शासक के जब अपन इंस्क्रिप सॉरी वो जब इनके अभिलेख वगैरह पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ते हैं तो उनमें पता चलता है कि शक शासकों ने संस्कृत के अंदर अभिलेख छपवाए हैं इसका मतलब शक शासकों को संस्कृत का नॉलेज था तो जब विदेशी थे तो विदेशी संस्कृत में क्यों करा कराएंगे समझ पा रहे उनकी अपनी भाषा होती होगी संस्कृत लैंग्वेज को अपनाना इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो क्षक शासक थे विदेशी नहीं थे हालांकि वो मानते हैं लेकिन ये विदे, अगर ऐसा मानते भी हैं कि वो ब्राह्मण मलेश बर्बर तो आप विदेशी मानते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मानते भी हैं चलो ठीक है वो विदेशी थे बर्बर -बर थे मान लेते हैं अपन तो इसका मतलब ये वा नासक -शक भी क्षत्रिय फिर कहाँ से हुए क्योंकि विदेशी है वो तो वो तो बात ही लोगों क्षत्रिय कहाँ हुए क्षत्रिय तो जो इंडिया के अंदर पैदा हुए और यहाँ पर ये क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र तो यहाँ के ग्रुप है अगर ये विदेशी हैं इसका मतलब विदेशियों ने भी पर राज किया है तो कोई गारंटी नहीं कंपलसरी नहीं है कि भाई क्षत्रिये वे राज करेंगे ये बात भी यहाँ पर गलत साबित तो होती है बात आती है सातवान वंश की तो सातवान वंश के सबसे प्रसिद्ध श्री सातकवि ने स्वयं को अनुटा शासक गौतमी पुत्र ब्राह्मण एवं क्षत्रियो के दर्प का हनन करने वाला बताया है इसका मतलब इसने अपने आप को ब्राह्मण और क्षत्रियो का हनन करने वाला बताया इसका मतलब ये तो ना तो क्षत्रिय ना ब्राह्मण है ये तो कुछ अलग ही वंश का है

जो क्षत्रियो वो राज करेगा ठीक है तो यह आवश्यक नहीं था कि क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को सिंहासन प्राप्त होता था यह बहुत सी बात थी बहुत गोदमी पुत्री क्लेम्ड टू बी यूनिक ब्राह्मण एंड डेस्ट्रॉय ऑफ द प्राइड ऑफ क्षत्रियल पावर वॉज ओपन टू एनी मस्ट सपोर्ट एंड रिसोर्सेज कोई भी जिसके बाद रिसोर्स आराम से राजा बन सकता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली पर्सन इन क्षत्रिय कैन सॉरी क्लेम थ्रोन दी कोई गारंटी नहीं है कि जो क्षत्रिय हो वही राजा बनेगा कोई भी बन सकता है शर्त लोगों का प्यार हो लोगों का साथ हो समर्थन हो और इसके पास में संसाधन हो ठीक है तो काफी बढ़िया क्वेश्चन था आज का नेक्स्ट यह भी बहुत बढ़िया आपको पता है उस टाइम तो जाति प्रथा बहुत ज्यादा थी कास्ट सिस्टम तो जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना या ऐसा मान लो कि जाति प्रथा के भीतर मिलना जाति प्रथा के भीतर घुल मिलना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी स्पष्ट कीजिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन विद इन द कास्ट सिस्टम कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस एक्सप्लेन तो बिल्कुल सही इसके एग्जाम्पल देना है कि सातवान वंश के शासक स्वयं को ब्राह्मण वर्ग का बताते थे सातवान वंश अपने आपको क्या बताया ब्राह्मण वर्ग मतलब ब्राह्मण के वर्ग के लेवल के हैं उसके बराबर है जबकि ब्राह्मणी शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए जब सातवान वंश कहते हैं कि हम ब्राह्मण के दर्जे के बराबर है हम ब्राह्मण है जबकि ब्राह्मण शास्त्र ये कहते हैं कि नहीं क्योंकि सातवान क्या थे राजा थे ब्राह्मण क्या कहते हैं ब्राह्मणी शास्त्र ये कहते हैं कि राजा वो होगा जो क्षत्रिय होगा जबकि सातवान कहते हैं हम राजा भी हैं और क्षत्रिय भी नहीं है बोलो सातवान शास्त्र क्या कहते हैं कि हम ब्राह्मण वर्ग के हैं लेकिन ब्राह्मण वर्ग कहता है कि नहीं आप राजा हैं आप तो राजा तो क्षत्रिय होता है उनका नहीं ये समझ पा रहे हो यद्यपि सातवान चतुर्वर्ण व्यवस्था की मर्यादा को बनाए रखना चाहते चतुर्वर्ण का मतलब जैसे ब्राह्मण सबसे ऊपर फिर फिर क्षत्रिय हो गए फिर ये वैश्य हो गए फिर शूद्र हो गए ये चार वर्णीय चतुर्वर्णीय व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे परंतु साथ ही वे उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे जो इस वर्ण व्यवस्था से बाहर भी हैं चाहे वो विदेशी क्यों ना हो जो इन चार वर्णों में आते ही नहीं फिर भी ये वैवाहिक संबंध बनाते थे तो इसका मतलब कहाँ मान मर्यादा रही इसलिए कहा जाता है कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात करना है अपने आप को उनमें मिला लेना बहुत मुश्किल है ठीक है क्योंकि ये लोग अगर वैसा रखते तो फिर ब्राह्मणों से ही शादी करते दूसरे ग्रुप में क्यों जाते समझ पा रहे हो ना तो इस प्रकार वे हाँ सम, इस वर्ण व्यवस्था से बाहर थे इस प्रकार वे अंतर विवाह प्रणाली का पालन करते थे नहीं कि बहिर्विवाह प्रणाली का जो ब्राह्मणी ग्रंथों में प्रस्तावित है उसके ये पालन नहीं करते थे तो ये चीज हो गई सातवान क्लेम्ड टू बी ब्राह्मण वेयर इज अकोर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स किंग आउट टू हैव बिन सातवान क्लेम्ड टू अपहोल्ड द फोर फोल्ड वर्न ऑर्डर जो चार ऑर्डर थे बट एंटर्ड इन टू मैरिज अलाइंस विद विद पीपल हु वर सपोज टू बी एक्सक्लोडेड फ्रॉम द सिस्टम इन दिस वे द प्रैक्टिस द एग्जोग सिस्टम ऑफ रिकमेंडेड इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट समझ पा रहे हो यानी कि ये जो है वो विवाह प्रणाली का जो भी होती है उसका जो अपना प्रणाली का पालन करते थे न कि बहिर्विह का तो ये सब बातें बहुत ईजी है इसका मतलब ये है कि काफी कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस ये जो कास्ट वाला वो है फिर नंबर पांच है ब्राह्मणीय जो व्यवस्था थी उसमें जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण काफी बढ़िया क्वेश्चन है सोशल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कास्ट जन इन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था उनके अकॉर्डिंग जाति पर आधारित सामाजिक वर्गीकरण कैसे होता था तो देखो कि ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की भांति जाति भी जन्म पर आधारित थी हाँ ये बात सही है ब्राह्मण के जितने भी सिद्धांत या जिनके भी जो टैक्स इनके आए हैं जिन भी थ्योरी आई है वो ये कहते थे कि, कि किसी भी इंसान का जो वर्ण है वो जाति पर बेस्ड है ठीक है कि जो जिस जाति में जन्म लेगा वो उस अकॉर्डिंग उसका वर्ण फिक्स हो जाएगा तो ब्राह्मणी सिद्धांत में वर्ण की भांति जाति भी जन्म पर आधारित थी परंतु तो वर्ण जहाँ केवल चार थे भाई चार ही वर्ण थे वहीं जातियाँ तो अनलिमिटेड है कोई पता नहीं नौजने हजारों जातियाँ होती है जबकि वर्ण तो चार ही है जबकि वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या ही नहीं थी ठीक है वास्तव में जिन नए समुदायों का जैसे कि निषाद निषाद का मतलब शिकारी समूह अब बताओ शिकारी समूह को कहाँ रखोगे आप चार वर्णों में जगह नहीं दे, देर के विचारों को वो तो अलग ही ग्रुप है निषाद हो गए स्वर्णकार हो गए आदि को चार वर्णों वाली ब्राह्मणी व्यवस्था में शामिल करना संभव नहीं था फिर उनको जाति में वर्गीकरण कर दिया गया कि भाई आपकी ये जाति आप इन चार वर्णों में शामिल नहीं तो अलग ही जाति है आप स्वर्णकार हैं आप निषाद हैं आपका अलग काम है आप अलग ही जाति है आपकी आप इन चार वर्णों में शामिल नहीं हो सकते ठीक है कुछ जातियां एक ही जीविका एक ही जीविका मतलब अपना काम एक ही था जो कोई किसान खेती करता है तो खेती करता था या कुछ अलग कोई व्यवसाय तो सेम व्यवसाय उसे संबंधित थे उन्हें कभी कभी श्रेणियों में संगठित किया जाता था ऐसे कह दिया अभी आपका ग्रुप है जो जो आदमी जो जैसा काम करता था उनको कह दिया आपका ये ग्रुप एक संगठन है तो बहुत ज्यादा ये ब्राह्मणी व्यवस्था में जाति सामाजिक वर्ग जो है इस तरह से किया जाता था ठीक है इन ब्राह्मणी थ्योरी जाति लाइक वर्ण वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्थ पहली बात है कि जन्म आधारित थी हाउ एवर द दंबर ऑफ वर्ण फिक्स एट फोर चार वर्ण फिक्स थे देर वॉज ए नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ जाति लेकिन जाति की कोई संख्या फिक्स ही नहीं है लिमिटेड नहीं है इसलिए इनफैक्ट वेन आवर ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज़ एनकाउंट अनकाउंटर्ड न्यू ग्रुप्स ऑफ इंस्टेंट पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद और वॉन्टेड टू असाइन नेम ऑफ ऑक्युपेशनल कैटेगरी सच एज गोल्ड स्मिथ एंड अपन कह सकते हैं स्वर्णकार अब इनका क्या करोगे आप इनको तो आपने चार वर्णों में कहीं जगह ही नहीं दी निषादों को नहीं दी स्वर्णकारों को जगह नहीं दी ठीक है विच डिड नॉट इजीली फिट इन टू दर्ण सिस्टम था तो देखिडी आपकी अलग जाति है आपकी अलग कास्ट है तो जातिजेड ए कॉमन ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन वाइम्स ऑर्गेनाइज इन टू श्रेणी गर्ल्स या श्रेणी बोल, बोल सकते हैं तो कभी कभी श्रेणियों के अंदर इनको संगठित है कर दिया जाता था ये एक आपके एक श्रेणी है भाई आपके एक एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है एक अलग संगठन है ना तो कोई जाति बताया क्योंकि हजारों जातियां हैं ना आप क्या करोगे तो ब्राह्मण की व्यवस्था में जाति पर आधारित सिस्टम जो है वो इस तरीके से था ये भी टू मार्क्स के लिए वाला क्वेश्चन बढ़िया है फिर मंदसोर अभिलेख मंदसोर इंस्क्रिप्शन ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे अपन कि इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम के बुनकरों की एक अलग श्रेणी थी जो रेशम के बुनने वाले लोग थे ना उनकी अलग एक कैटेगरी थी इट वॉज नॉन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन ऑफ मनसोर देर देर रोजे सेपरेट कैटेगरी ऑफ सेवस्था एग्जाम में क्यों ना सकता है कि मनसोर अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिली है तो ये बात अपन लिख देंगे कि पहली बात इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि रेशम के जो बुनकर होते थे उनकी एक अलग श्रेणी होती थी फिर इस अभिलेख से तत्कालीन जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं पर प्रकाश पड़ता है दिस इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स ए फैसिनेटिंग ग्लेम्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेस फिर इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि श्रेणी के सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और कई चीजों से भी सहभागी होते थे यानी कि इस अभिलेख से यह भी पता चलता है कि कुछ लोग अपना सेम काम करते थे इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जो आपस में कोई चीजें आपस में शेयर करते थे ठीक है सामूहिक रूप से उन्होंने अपने शिल्प क्रम से अर्जित धन को सूर्य मंदिर के निर्माण में खर्च किया और सभी को जब आज जितना भी पैसा आता था वो सूर्य टेम्पल सूर्य मंदिर बनाने के लिए सब ने पैसा दिया इट ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द टनर ऑफ द सन गॉड जो अपने सूर्य देवता को मानते थे वहां पर सभी ने मिलकर अपना पैसा देकर उस मंदिर निर्माण करवाया छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि मंस और अभिलेख हमें किसकी जानकारी देता है तो ये आंसर अपन इसमें लिख देंगे फिर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा जो ब्राह्मणीय व्यवस्था थी उसमें चार वर्ण थे आपको पता है ठीक है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र तो ब्राह्मणीय व्यवस्था में चार वर्णों के अतिरिक्त जो अन्य समुदाय होते थे ना उनकी क्या हालत होती थी या फिर उनकी क्या स्थिति है कहां पर उनको रखा गया है तो वट वॉज द पोजिशन ऑफ द कम्युनिटीज अदर देन द फोर वर्ण इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम तो आंसर ये होगा कि ब्राह्मण ग्रंथों ने जिस ब्राह्मणीय व्यवस्था को स्थापित किया था, 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 था उसका संपूर्ण उपमहाद्वीप में पालन नहीं किया जाता था अब ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ने चार वर्ग बना दिए तो पूरा संपूर्ण उपमहाद्वीप का मतलब पूरे भारत में उसका पालन किया जाएगा। ऐसा नहीं था ठीक है ब्राह्मणिकल सिस्टम स्टेब्लिस्ड बाई द ब्राह्मण टेक्स्ट वॉज नॉट फॉलोड इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट फिर क्या होता था निषाद वर्ग इसी का उदाहरण है अब निषाद वर्ग का मतलब है जो शिकार करते हैं शिकारी वो वो तो किसी भी उसका नहीं फॉलो करते हैं। वो तो अपना शिकार करते हैं मस्त रहते हैं तो ये इसका उदाहरण है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वन मार्क्स में कि ब्राह्मणी व्यवस्था में चार वर्णों के अतिरिक्त अन्य समुदाय जो हैं वो वो उनका कोई एग्जाम्पल दीजिए ये अन्य समुदाय जो है उनकी उनको फॉलो करते थे कि बोले नहीं करते थे जैसे कि निषाद वो इनके चारों वर्ण व्यवस्था को फॉलो नहीं करते थे तो एग्जाम्पल हो गया ब्राह्मणी व्यवस्था में यायावर पशुपालक के जो समुदाय को भी संदेह की दृष्टि देखा जाता था ब्राह्मणी तो ये भी एक जो पशुपालन का काम करते हैं जो गाय भैंस ये सब जर जो रखते हैं उनको भी अलग नजर से देखा जाता था कि ये तो ग्वाले हैं ठीक है इनका क्या तो भाई अलग नजर से देखा जाता था क्योंकि उन्हें स्थायी कृषकों के समुदाय में आसानी से समाहित नहीं किया जा सकता क्योंकि वो तो ग्वाले हैं ना जिसको अपन कहते हैं ना गडरिया जो चराते हैं है ना वो वाले कि आज यहां पर चरा रहे हैं कल को वहां चराएंगे कल को वहां चराएंगे क्योंकि वो फिक्स तो जगह नहीं है जबकि कुछ स्थाई कृषक होते हैं जैसे किसान भाई लोग होते हैं स्थाई कृषक वो अपनी खेती है कि जगह करते हैं तो इनको गडरियों को या फिर जो गाय भैंस सरा पशुपालक थे उनको अलग नजर से देखते थे तो ये सब बातें हैं कि ब्राह्मणी व्यवस्था में चार वर्णों के अलावा जो अदर समुदाय सोसाइटी के लोग थे उनको इस हिसाब से रखा जाता था तो द निषाद क्लास इन एग्जाम्पल ऑफ दिस निषाद जो है उसके एग्जाम्पल है और इन द ब्राह्मणिकल सिस्टम इवन द कम्युनिटी ऑफ हर्ट्स वर लुक्ड अपॉन द सस्पिशन एट दे कुड नॉट कुली बी एब्सॉर्ब इन टू द कम्युनिटी ऑफ परमानेंट फार्मर्स परमानेंट फार्मर्स की तुलना में इनको अलग नजर से देखा जाता था बढ़िया क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ब्राह्मणी व्यवस्था के अंतर्गत कुछ वर्गों को अस्पृश्य किन आधारों पर माना जाता था का अनटचेबल ब्राह्मणी व्यवस्था है ना ब्राह्मण जो लोग अपने आप को एक नंबर मानते थे कि हम सबसे ऊपर हैं और कुछ लोगों को वे अस्पृश्य अनटचेबल मानते थे और इवन ये भी हैं कुछ लोग अभी मैं कहानी सुनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जबरदस्त स्टोरी है इसके भी वो कुछ लोग इतने थे जो चांडाल जो लोग होते हैं जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनको चांडाल की श्रेणी में रखा गया है और उन चांडालों को ये ब्राह्मण लोग अगर देख भी लेते थे तो मतलब अपनी आंखें धोते थे कि अरे यार बहुत गलत नजर पड़ गई हमारी आज तो दिन ही खराब हो गया अब शगुन हो गया ये सब मानते थे तो ये ब्राह्मणों के अंदर ये सिस्टम था ब्राह्मणी व्यवस्था में तो ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर कुछ वर्गों को एक्सप्रेस अनटचेबल किन आधारों पर माना जाता था ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऑन वट ग्राउंड फॉर सम क्लासेज कंसिडर्ड अनटचेबल अंडर द ब्राह्मणिकल सिस्टम तो उसमें आंसर ये होगा कि ब्राह्मण समाज के कुछ वर्गों को एस्प्रेश्य मानते थे ब्राह्मण समाज जो हैं वो कुछ लोग वर्गों को एस्प्रेश्य अनटचेबल मानते थे उनके अनुसार जब ये अनुष्ठान कराते हवन वगैरह कराना भगवान के जो कराते हैं ना हवन कराते हैं अनुष्ठानों का जब संपादन मतलब अनुष्ठान का जब ये आयोजन रखते थे उससे जुड़े कुछ कार्य पवित्र ये कहते थे कि भाई वो काम बहुत सबसे पवित्र है हवन कराना सबसे पवित्र काम है बोले ये मानते थे ना लेकिन उस टाइम पर अपने को पवित्र मानने वाले लोग टाइम पर भोजन स्वीकार नहीं करते थे उस टाइम पर कोई भी अल अलग किसी को अनटचेबल मानते थे उनके हाथ से कभी रोटी नहीं खाते थे पानी भी पकड़ा दिया तो नहीं 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 तो उसको अस्पृश्य मानते थे और कुछ कार्य ऐसे भी थे जिन्हें दूषित माना जाता था जैसे कि शव की अंत्येष्टि करने वाले का करने का कार्य उस टाइम शव की जो अंत्येष्टि करता है उसको कार्य को भी दूषित मानते थे ठीक है तो ये सब बातें हैं ब्राह्मि कंसिडर सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी हो गया हाँ अकॉर्डिंग टू हिम सर्टेन एक्ट्स रिलेटेड और पीपल हु कंसिडर दम स्ल डिड नोट एक्सेप्ट फूड फ्रॉम अन्टचेबल्स उनसे खाना भी नहीं खाते उनके हाथ का और देर वर ऑल्सो सम वर्क विच वर कंसिडर्ड पोल्यूटेड लाइक वर्क ऑफ क्रीमेटिंग डेड बॉडीज जो uh, अंत्येष्टि करवाते थे जिनके जो जिनके शवों का मतलब uh, जो करते थे समझते होंगे डेड बॉडी को जलाना वगैरह तो उनको भी ये बहुत ज्यादा वो दूषित या गलत काम मानते थे ये सब क्वेश्चन टू मार्क्स के लेवल का है थोड़ा सा और देख लेते हैं कि शवों की अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था जो शवों की अंत्येष्टि करवाता था या फिर जो मर गए जानवर जो मर जाते थे ना गाय भैंस मर जाती कोई पशु मर जाता उनको जो लेके जाता था उनको चांडाल कहा जाता था ठीक है और उच्च वर्ग के लोग इन चांडालों का स्पर्श अथवा देखना भी अपवित्रकारी मानते थे चाणाल को देख लेते तो अपशगुन मान लेते अपनी आंखें धोते थे दूंगा मैं एक एक व्यापारी था उसकी बेटी ने चाणाल को देख लिया था हालांकि उसने बड़ी चोट तगड़ी हुई उस पर भी फाइनली उस लड़की से उस चाणाल से लड़की की शादी भी होगी अपन स्टोरी जानेंगे कल तो ये चीज है कि ये चाण्डाल को हाथ टच भी कर लेते थे उसको गलत मानते थे और इवन उसको देख भी लिया तो अपवित्र मानते थे तो दोज हु डेड बॉडीज एंड टच डेड एनिमल्स टच और साइट ऑफ दंडालंसर्डर्ड अनहोली बाय द अप्रकास्ट पीपल ये अपने आप को तो इस तरीके से क्वेश्चन जो छोटा सा था कि ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर चूर्णों को एक्सप्रेश किन आधार पर किस बेस पे माना जाता था तो ये कुछ तीन चार ऐसे आधार हैं जिनके ऊपर ब्राह्मणिकल व्यवस्था के अंदर इनको छोटे चांडाल वगैरह इनका नाम दिया जाता था जो अपन ने देखा ठीक है अब लास्ट क्वेश्चन आज का चांडालों के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चांडाल टॉपिक आ गया हालांकि चांडाल और स्टोरी कल सुनाऊंगा बहुत ही मजेदार स्टोरी है और कल ही अपन भीम की स्टोरी भी सुनेंगे ठीक है तो चांडालों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए दिस द ड्यूटीज ऑफ द चांडाल तो चांडाल के क्या क्या कर्तव्य थे तो मनुस्मृत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य का वर्णन कीजिए या फिर चांडालों के कर्तव्य ओनली फॉर आ जाए तो भी आंसर यही है और मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पूछे तो भी आंसर यही है तो मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्य का उल्लेख मिलता है बिल्कुल मनुस्मृति के अंदर जो है उसके अंदर द मनुष्य लेट डाउन द ड्यूटीज ऑफ चांडाल चांडाल की जो बातें लिखी हुई है उन कर्तव्य जो लिखे हुए वो मनुस्मृति के अंदर लिखे हुए हैं फिर चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था गांव में कोई भी चांडाल नहीं रह सकता था वह फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग कर जो जैसे कोई बर्तन फेंक देते हैं ना उनका वो यूज करते थे नए बर्तन वो यूज नहीं कर सकते मृतक लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे जो लोग मर जाता था उसके कपड़ों को वो पहनते थे और लोहे के आभूषण शरीर के ऊपर खूब सारे लोहे के आभूषण पहनते थे रात्रि में वे गाँव और नगरों में भ्रमण नहीं कर सकते नाइट में क्योंकि चांडाल है चांडालों को एक अलग नज़र से देखा जाता हो सकता है चोर डकैत की के नज़र से देखा जा सकता हो कैसे भी देखा जा सकता हो अपवित्र भी मानते थे इसलिए नाइट में वो गाँव या फिर नगर में कहीं पर भी वो घूम नहीं सकते थे ठीक है भ्रमण नहीं कर सकते थे उन्हें कुछ मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती जैसे जैसे डेड बॉडीज होती थी उनकी अंत्येष्टि कराने का उनका काम होता था तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना जिस किसी का वध वगैरह जो होता ना वो भी उनको काम करना पड़ता था फाइयान के अनुसार उन्हें सड़कों पर चलते हुए करताल बजाकर कर करताल होता ना उसको बजा बजा कर ये फाइन चीनी यात्री है ये इंडिया के अंदर आता है तो देखता है और यहाँ पर देख के ये वो लिखता है अपने उसमें इंस्क्रिप्शन में या अपने राइटिंग में उसमें ये कहता है कि इनको करताल बजानी पड़ती थी और करताल बजा कर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी कि मैं आ रहा हूँ क्योंकि इनको अब बड़ा अब ही माना जाता था ये पहले खुद कह देते कि भाई मैं आ रहा हूँ ठीक है ताकि पता चल जाए सूचना देनी पड़ती थी जिससे अन्य लोग उनके दर्शन न कर सके मतलब उनको देख ही नहीं पाए इसलिए बेचारे पहले करताल बजाते थे कि भाई हम आ रहे हैं ताकि जो अपशुगुन मानता था वो अपने आप ही दूर पक जाता था कि अरे चाणा ला रहा है ठीक है तो ये मनोसुमत ने बातें लिखी हुई थी देड ए लिव आउटसाइड द दिलेज यूज सॉरी यूटेंसिल्स एंड वीर क्लोस ऑफ डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन दे कुड नॉट वर्क अबाउट इन विलेज एंड सिटीज एट नाइट दे हैड हैड टू डिस्पोज ऑफ ऑफ बॉडीज हु नो देव एंड सर्वड एज एक्सेप्शंस अकॉर्डिंग टू द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क फायन फायन ये बात कहता है कि अनटचेबल्स है क्लैपर इन स्ट्रीट्स दैट पीपल कूड अवॉइड सिंग दैम वो एक अपना कुछ ये जो करताल है वो लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले भी करताल एज एट इज है ना करताल लिख भी देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि करताल बजा के इंडिकेट करते थे कि ये मारें ताकि जो them, पीपल आर नॉट से पीपल कुड अवॉइड सिंग दैम जो पीपल हैं वो अब ऑटोमेटिक देखने से हट जाएंगे क्योंकि जो लोग इनको देखने से अब शगुन मानते थे तो ये बेचारे उनको पहले इंडिकेट करते थे बहुत ही शानदार चैप्टर है महाभारत की स्टोरी इसके अंदर लिखी हुई है नेक्स्ट के अंदर अपने एक दो तो भीम की स्टोरी जानेंगे बहुत ही मजेदार स्टोरी है और एक अपन जानेंगे चांडालों के बारे में दोनों स्टोरियाँ नेक्स्ट पार्ट में करेंगे दो तीन पार्ट के अंदर बहुत ही ईजी सा चैप्टर अपना कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है